कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। देश में पिछले एक हफ्ते में कोरोना मामले 95% तक बढ़े हैं और कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले दिल्ली एनसीआर में मिल रहे हैं। इस हफ्ते देश में आए कुल कोरोना केस में से 2/3 केस सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, यूपी में मिले हैं। तो चलिए जानते हैं कि देश के किन राज्यों में कोरोना मामले बढ़ रहे हैं और इसके लिए कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है। देश में 18 से 24 अप्रैल के बीच कोरोना के 15,700 नए मरीज मिले, जो पिछले हफ्ते मिले 8,050 मामलों में से करीब 95% ज्यादा है। देश के 12 राज्यों में कोरोना मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना मामलों में 174% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं हरियाणा और यूपी में 100%, कर्नाटक में 71%, पश्चिम बंगाल में 66%, तमिलनाडु में 62%, राजस्थान में 57%, महाराष्ट्र में 48% और तेलंगाना में एक हफ्ते में 24% मामले बढ़े हैं। वहीं देश के 9 राज्यों के 34 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट भी 5% से ज्यादा हो गया है, यानी WHO के मुताबिक इन जिलों में संक्रमण अभी बेकाबू है। केरल में सबसे ज्यादा 13 जिले, मिजोरम में 9, दिल्ली में 5 और हरियाणा में 2, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यूपी, नागालैंड और सिक्किम के 1-1 जिले में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि बढ़ते कोरोना मामलों के बीच देश में मौत का आंकड़ा अभी बढ़ नहीं रहा है। केरल में हुई मौतों को छोड़ दें तो इस हफ्ते देश में कोरोना से सिर्फ 27 मौतें हुई हैं। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA2 पिछले कुछ महीनों में देश में सामने आए कुल कोरोना केसेस में से करीब 94% के लिए जिम्मेदार है। भारत में अभी BA2 ही डोमिनेंट वेरिएंट है। तो अब सवाल है कि क्या देश में बढ़ते मामले कोरोना की चौथी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल देश में चौथी लहर आने की आशंका अभी नहीं है। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया की माने तो ये चौथी लहर का संकेत नहीं है, क्योंकि देश में अभी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA1, BA2 ही डोमिनेंट वेरिएंट है और एक ही वेरिएंट से दो लहर आना असंभव है। वही ICMR में महामारी विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर ललित कांत ने बताया कि देश में बढ़ते मामलों की वजह कोरोना पाबंदियों में ढील है। स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, लोग बाहर निकलेंगे और सख्ती से नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मामले बढ़ना तय है। इसलिए आप ही हैं जो बढ़ते कोरोना मामलों पर मास्क लगाकर लगाम कस सकते हैं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।